लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया था ट्रांसपोर्टेशन का, और वो फ्लो चार्ट हमने समझ लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई होके डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, और उन स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अब समझते हैं। तो हमारे पास आता है टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इनके मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। यदि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन देखें तो इसमें जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है नंबर वन वो है माइक्रोविलाय। फर्स्ट है माइक्रोविलाय की भी बात करें तो माइक्रोविलाय जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो रहे हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम, दीज आर कॉल्ड माइक्रो विलाई। और इस माइक्रो विलाई के चारों तरफ फ्लूइड देखा जाता है जो इसको सपोर्ट देता है, और इसके चारों तरफ जो ये फ्लूइड देखा जा रहा है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड क्यूजी कोट। क्यूजी कोट, ठीक है। तो माइक्रोविलाय क्या है, माइक्रोविलाय की अगर बात करेंगे तो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसके ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किस लिए होते हैं, ये ना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। इसके अलावा यदि बात करें कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, तो इसकी लोकेशन यदि देखेंगे तो एक जो लोकेशन है जो आपको याद रखनी है वो है इंटेस्टाइनल सेल। सबसे मेन है इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर देखा जाएगा। इसके अलावा लिवर में देखा जाता है, इसके अलावा आपका देखा जाता है मीजोथीलियल सेल्स के अंदर, ठीक है। ये कुछ इसकी लोकेशंस हो गई जहां पर माइक्रोविलाई देखी जाती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेस्टाइनल सेल। तो पहला हो गया माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई के बाद जो सेकेंड मॉडिफिकेशन है वो है मीजोजोम। मीजोजोम आप लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये किसमें देखा जाता है, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है, और ये कैसे काम करता है, फंक्शन हम इसका पढ़ चुके हैं मीजोसोम का, मीजोसोम हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड जो मॉडिफिकेशन है मीजोसोम के बाद वो है लोमा सोम। अब देखिए लोमा सोम की यदि बात करें तो लोमा सोम देखा जाता है फंगल सेल के अंदर, फाउंड इन फंगल सेल, ये फंगल सेल में देखा जाएगा। और लोमोसोम होता क्या है, जैसे ये हो गया फंगस का सेल वॉल, ये हो गया सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई का सेल वॉल हो गया।
और इसके अंदर ये हो गया इस फंजाई का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई, और इसमें जो ये स्पेस है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, खाली जगह, इसको बोला जाएगा पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, इस पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटफोल्डिंग की वजह से कुछ ये स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहलाते हैं लोमासोम्स। कैसे बनते हैं? बाय आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटफोल्डिंग से बनी है। इनका कोई एग्जैक्ट फंक्शन अब तक नहीं खोजा गया है, लेकिन साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये किस लिए होते हैं। ये होते हैं फॉर सेल वॉल सिंथेसिस के लिए। ये फंजाई में सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन क्या है ये अब तक नहीं देखा गया। इसके बाद जो फोर्थ मॉडिफिकेशन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मॉडिफिकेशन नंबर फोर है पोर्स। पोर्स की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई जगह इनफोल्डिंग होती है, और उस इनफोल्डिंग की वजह से इसमें छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कनेक्शन का काम करते हैं, और उन कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पोर्स। ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं, और ये किसमें देखे जाते हैं? फाउंड इन एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे जाते हैं, और ये होते हैं कनेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद नंबर फिफ्थ जो आता है हमारे पास वो है एंडोसाइटिक वेसिकल। एंडोसाइटिक वेसिकल्स, यदि जो एंडोसाइटिक वेसिकल्स की बात करें तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग की वजह से बनते हैं। और ये कब बनते हैं? देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ना ये कोई सेल है, और ये है उस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये कोई फूड पार्टिकल है, कोई मान लो ये फूड पार्टिकल है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने शेप को चेंज करेगा, चेंजेस शेप एंड एनगल्फ दी फूड पार्टिकल, और इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर जाएगा। तो कैसा शो होगा स्ट्रक्चर? आपको कुछ ऐसे शो होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने शेप को बदला, और क्या हुआ, जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ आ गया इसके अंदर ऐसे। अब ये यहां से ज्वाइंट होके एक वेसिकल्स बना देगा, तो इस सेल के अंदर क्या होगा? ये तो सेल हो गई, इसके अंदर ये वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो गई, और इस वेसिकल्स में क्या है? इस वेसिकल में ये है फूड पार्टिकल।
यदि जो ये सॉलिड फूड है तो इस वेसिकल को बोलेंगे हम लोग फैगोसोम, और यदि ये लिक्विड फूड है फैगोसोम कब कहलाएगा? इफ सॉलिड फूड फैगोसोम। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम पिनोसोम भी बोल सकते हैं। ये कब बोलेंगे? इफ लिक्विड फूड, यदि लिक्विड फूड को एनगल्फ कर रहा है और वेसिकल बन रहा है तो पिनोसोम कहलाएगा वो वेसिकल, यदि सॉलिड को कर रहा है तो वो कहलाएगा वेसिकल्स फैगोसोम, और सॉलिड को एनगल्फ कर रहा है तो प्रोसेस कहलाता है फेगोसाइटोसिस, और लिक्विड को करता है तो प्रोसेस कहलाता है पिनोसाइटोसिस। कल एक क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था इस क्लास के अंदर कि, हाँ हर्षित बोलिए। वेसिकल क्या होती है सर? वेसिकल्स, वेसिकल्स वो स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किसी फूड पार्टिकल को या किसी सब्सटेंस को एनगल्फ करती हैं, अपने अंदर रखती हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्रेक होने से ही बनती हैं। देखो यहीं पर आपने कल एक क्वेश्चन उठाया था कि जो ये फेगोसाइटोसिस है या पिनोसाइटोसिस है, ये एंडोसाइटोसिस से किस तरह से अलग है, सॉरी एंडो क्या था, एंडोओस्मोसिस से कैसे अलग है ना? तो सर एंडो ओस्मोसिस से अब आपको पता चल गया, एंडो ओस्मोसिस में क्या है, वाटर का मूवमेंट होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने शेप को नहीं बदलती। लेकिन अगर हम एंडोसाइटोसिस को देखेंगे, जिसमें दो पार्ट है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले अपना शेप चेंज कर रही है, शेप चेंज करके फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगा, एनगल्फ करने के बाद जब ये फूड पार्टिकल्स के अंदर चला जाएगा ना, तो इसी पार्ट से जो चेंज हुआ है उससे एक वेसिकल की फॉर्मेशन होगी, और उस वेसिकल के अंदर अगर सॉलिड फूड है तो फैगोसोम, और अगर लिक्विड फूड है तो कहलाएगा पिनोसोम। ये डिफरेंस होता है एंडोओस्मोसिस में और एंडोसाइटोसिस के अंदर, एक जगह शेप बदलती है मेम्ब्रेन की और एक जगह उसके शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ऐसे जो वेसिकल्स बन रहे हैं ये वेसिकल्स कहलाते हैं आपके एंडोसाइटिक वेसिकल्स। इनका काम क्या है? इनका काम होता है फूड को कैप्चर करना, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? अब इसके बाद जो अगला मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो छठा मॉडिफिकेशन जो होता है वो कहलाता है शीथ। शीथ एक तरीके की कवरिंग है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीलिया और फ्लैजेला को बेस पर कवरिंग प्रोवाइड कराती है। शीथ क्या है? इट इज एन कवरिंग ओवर दी सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला को ये एक कवरिंग प्रोवाइड कराती है, इसे बोलते हैं हम लोग शीथ। शीथ के बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो होगा जंक्शन कॉम्प्लेक्स। तो इसको रब कर देते हैं और फिर अगले मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। यहां तक आप सभी को सारे मॉडिफिकेशन क्लियर हो गए होंगे? आई थिंक इसमें आप लोगों को ज्यादा डाउट नहीं रहेगा, यदि कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम देखते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 7, और जो 7th मॉडिफिकेशन है वो है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है? ये दो सेल के बीच में, जो दो साथ साथ सेल प्रेजेंट हैं, जैसे एक ये सेल हो गई, एक सेल ये हो गई, इन दोनों सेलों को बोलेंगे हम
एडजेसेंट सेल जो एक साथ है, दो एडजेसेंट सेल के बीच के जो कांटेक्ट हैं उस कांटेक्ट को हम बोलते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? दीज आर कॉन्टेक्ट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच के कॉन्टेक्ट को, कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। और ये जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस या जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स आता है वो है इंटर डिजिटेशन। फर्स्ट है इंटर डिजिटेशन। देखिए इंटर डिजिटेशन में क्या होता है, इंटर डिजिटेशन की अगर बात करें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि एडजेसेंट सेल के बीच में देखी जा रही हैं। तो ये कैसे होती है, एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे एक सेल हो गई है, ठीक है, इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से मॉडिफाई हो गई और उसने ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिए। ये हो गई सेल वन और दूसरी तरफ है ये सेल टू। जो सेल टू है इसने भी क्या करा, इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई और ये इस सेल वन के साथ अटैच हो गई। ये हो गई सेल टू। तो इससे जो ये कनेक्शन बना है इस कनेक्शन को बोलते हैं हम लोग इंटर डिजिटेशन, ठीक है। तो इंटर डिजिटेशन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है जी। और ये होता किस लिए है, देखो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो ये एरिया को बढ़ा देगा, दो सेल के बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया है उसको बढ़ाएगा और इस कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ने की वजह से जो सब्सटेंस है वो एक सेल से दूसरी सेल में एक्सचेंज हो पाएगा। ये करता क्या है, दे इंक्रीज दी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ताकि जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके। तो ये हो गया इंटर डिजिटेशन। इंटर डिजिटेशन के बाद जो अगला मॉडिफिकेशन हमारे पास आता है इसी का, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स का, सेकंड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है प्लाज्मोडेस्माटा। सेकंड है प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा ना ये प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज है। दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, ये प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं।
और ये किस में देखे जाते हैं? प्लांट सेल में देखे जाएंगे, फाउंड इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है देखिए, जैसे ये जो ब्लैक लेयर हम बना रहे हैं, ये ब्लैक लेयर हो गई सेल को, और प्लांट में सेल वॉल के अंदर क्या रहेगा? सेल वॉल के अंदर ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या होगा, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इस तरह से एक सेल, ये हो गई सेल वन और ये हो गई सेल। अब जो दो सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इनके कनेक्शन से जो ये कनेक्शन पॉइंट बन रहा है, जो ये पाथवे बन रहा है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडेस्माटा। हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वहां पर भी इसका रोल आएगा प्लाज्मोडेस्माटा का। इसके थ्रू जो सब्सटेंस है वो आगे ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होगा, जो मटेरियल है, जो दो सेल के अंदर सब्सटेंस है, वो एक सेल से दूसरी सेल में इसके थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा बनाने के लिए सेल वॉल के अंदर भी कुछ स्पेस देखे जाते हैं, कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग पिट्स। आपने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया होगा, आपको वहां प्लांट सेल में सेल के अंदर कुछ ऐसे स्पेस दिखाई दिए होंगे सेल वॉल के अंदर, उन स्पेस को बोलते हैं पिट्स। सेल वॉल में पिट्स देखे जाते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन में हेल्प करते। ये हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है? तो हमने जंक्शनल कॉम्प्लेक्स में दो कॉम्प्लेक्स देख लिए, पहला देख लिया हमने इंटरडिजिटेशन और दूसरा हमने देख लिया प्लाज्मोडेस्माटा। जी हर्षित बोलिए। सर, माइक्रोविल्लाए और ये इंटरडिजिटेशन क्या फर्क है? माइक्रोविल्लाए तो आप देखोगे एक ही सेल के अंदर देखा जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जबकि जो आपका ये है इंटरडिजिटेशन है, ये दो सेल के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ज्वाइन होने से बनता है। ये सब्सटेंस के एक्सचेंज के लिए होता है, और माइक्रोविल्लाई एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो थर्ड इसके अंदर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स आता है वो है गैप जंक्शन। तो ये वाला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। गैप जंक्शन की यदि हम बात करें तो गैप जंक्शन क्या होगा, ये भी दो एडजेसेंट सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा, और इसमें एक स्पेशल तरह की कवरिंग होती है प्रोटीन की, और उस प्रोटीन को बोलते हैं इट इज कॉल्ड कॉन्सेंस प्रोटीन। किस तरह से दिखता है वो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश। कैसे? देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ पर ये देखा जाएगा प्रोटीन, ऐसे यहाँ पर ये प्रोटीन रहेगा, और ये प्रोटीन कवर करके रखे हैं किसको, ये प्रोटीन कवर करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक गैप बना रहा है बीच में, और उस कनेक्शन को बोलते हैं हम लोग गैप जंक्शन। ये हो गई सेल वन। उसी तरह से एक ये रहेगी सेल टू, इसमें भी ये प्रोटीन देखा जाएगा, ये हो गई
सेल टू, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें जो ये गैप, ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड गैप जंक्शन। और ये गैप जंक्शन जो है, ये पूरा जो है इस गैप जंक्शन में ये प्रोटीन की कवरिंग है, और ये जो प्रोटीन है इसके अंदर, ये प्रोटीन कहलाते हैं कॉन्सेंस प्रोटीन। ये इस गैप जंक्शन को या इस गैप को कवर करके रखने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट जो हमारा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ वन, वो है इंटर सेलुलर ब्रिजेस। देखिए इंटर सेलुलर ब्रिजेस में क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग या प्रोजेक्शन शो करेंगे दो एडजेसेंट सेल के, और ये प्रोजेक्शन ऐसा होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। जैसे मैं सेल वन बनाता हूँ, ये फर्स्ट सेल है हमारी, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, और ये इस तरीके से इनफोल्डिंग शो करता है। ये हो गया सेल वन, और इसी तरह इसके सामने देखा जा रहा है ये सेल टू। जो सेल टू है वो भी क्या करेगा, ये भी इनफोल्डिंग शो कर रहा है, ये हो गया सेल टू। तो यहां पर क्या है, जो एडजेसेंट सेल्स शो इनफोल्डिंग, ये इनफोल्डिंग शो करेंगे, और इनके इनफोल्डिंग की वजह से क्या होगा, एक कनेक्शन बनेगा, और ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर कंडक्शन ऑफ स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई के कंडक्शन के लिए होता है, स्टिमुलाई का मतलब है इंपल्स, किसी भी इंपल्स के या स्टिमुलस के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर सेलुलर ब्रिजेस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अरे न्यूरॉन में दिख जाते हैं, हाँ जी न्यूरॉन में दिख जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन या इसको हम बोल सकते हैं जोनियोली ऑक्युलोडेंट, ये जो जोनियोली ऑक्युलोडेंट्स या टाइट जंक्शन है, यहां पर क्या होगा, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें दो एडजेसेंट सेल के बीच में, ऐसे पॉइंट जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाएगी, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शन। ठीक है, और ये कहां देखे जाएंगे, ये आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर, इसके अलावा ब्रेन सेल में, इसके अलावा जो किडनी के अंदर होता है ना ट्यूब्यूल्स होते हैं पीसीटी डीसीटी, उसमें देखा जाता है। तो ये कैसे बनेगा, देखो इसको एक बार हम ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की, इसके यहां पर ये कंडेंस हो जाएगा स्ट्रक्चर, हाँ
ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वन, और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल टू। तो ये ना आपस में से फ्यूज रहेंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल, तो इनके फ्यूज होने से जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं दिस इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। ये होते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। और ये लाइनिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये किसमें देखे जाएंगे? ये देखे जाएंगे आपके कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज में, इसके अलावा ब्रेन सेल्स के अंदर, ब्रेन सेल्स में देखे जाएंगे, और किडनी में देखा जाएगा। किडनी में कहाँ होगा? किडनी में रहेगा मेनली ट्यूब्यूल्स में। तो ये हो गया आपका टाइट जंक्शन। तो हमने टाइट जंक्शन भी देख लिया। यहाँ पर हमने पांच तरह के जंक्शन कॉम्प्लेक्स समझ लिए हैं। अब हम एक लास्ट वन, सिक्स्थ जंक्शन कॉम्प्लेक्स और देखते हैं, जो कि है डेस्मोसोम, जिसको बोलते हैं हम लोग मोक्यूला एडहेरेंस। इसको रख करते हैं और फिर सिक्स्थ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की बात करें। हो गया सर। चलिए अब बात करते हैं हम लास्ट जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की, जो कि है डेस्मोसोम। और डेस्मोसोम का एक नाम और है, इट इज कॉल्ड मोक्यूला एडहेरेंस। डेस्मोसोम्स में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये स्वेलअप कर जाएगी एक साइड पे, और स्वेलअप करने से क्या होगा, यहाँ पर कुछ पोरस डिस्क जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऐसे स्वेलअप करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वन हो गई, और ये हो गया दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी ऐसे स्वेलअप कर गया। और इसकी वजह से इसमें क्या हुआ, ये ऐसा कोर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। और इस डेस्मोसोम को सपोर्ट देने के लिए यहां पर कुछ फाइब्रिलर स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं। और ये जो फाइबर्स डेवलप कर रहे हैं ये कहलाते हैं टोनोफिब्रिल्स। टोनोफिब्रिल्स क्या है? ये प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस ऑन द जंक्शन। जंक्शन के ऊपर जो प्रोजेक्शन देखे जा रहे हैं ये कहलाते हैं टोनोफिब्रिल्स। तो यदि हम डेस्मोसोम की बात करेंगे तो ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है found on epithelial cell, जो protecting cell होती है, ये protecting layer है, epithelial layer, उस पर ये देखा जाएगा। तो इस modification के साथ ही हमारा जो plasma membrane है वो पूरी तरह से खत्म होता है। तो हमने plasma membrane पूरी तरह से cover कर लिया। अब हम लोग plasma membrane cover करने के बाद बात करेंगे आगे, और next हमारा topic आता है protoplasm। हर्षित कुमार बोलिए। एक बार फिर से समझाना सर डेस्मोसोम। देखो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाई दे रही है, सेल वन और सेल टू की। ये स्वेलअप कर जाती हैं। इनके स्वेलअप होने की वजह से इनके अंदर पोर्स बन जाता है, बीच में देख रहे हो पाथवे बन रहा है जिसके थ्रू सब्सटेंस एक्सचेंज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेस्मोसोम बोलते हैं। और इसको सपोर्ट देने के लिए इस पूरे जंक्शन पर दोनों फिब्रिल्स देखे जाते हैं।
सही, सोलअप कैसे कर रही है सर? बाहर तो सोलअप कर ही नहीं रही, अंदर की तरफ कर रही है। अंदर की तरफ क्या कर रही है, देखो ना बाहर की तरफ कर रही है। इनसाइड का मतलब ये ऐसे कर रहा है ना भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई ना, यस सर। है ना, और इसका, हाँ ठीक है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे स्वेल अप कर जाएगा, तो जब स्वेल अप करेगा तो क्या होगा, इसके बीच में ऐसे ये पोर्स बनेंगे ना, ये है ना पोरस स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। इनके थ्रू सब। और ये इसमें देखी जाती है जो प्रोटेक्ट, जितनी भी हमारी आउटर लेयर होती है एनिमल सेल्स के अंदर, जितनी भी आउटर लेयर देखी जाती है, उन सारे आउटर लेयर, जो आउटर लेयर है वो किस टिश्यू की बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। तो एपिथेलियल टिश्यू में जो एपिथेलियल सेल्स है उनके अंदर ये डेस्मोसोम का मॉडिफिकेशन देखा जाता है, और क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्टिंग फैब्रिक प्रोवाइड कराता है, तो उस प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं इसको जो सपोर्ट देने का काम करता है वो कौन करता है, दोनों के। नेक्स्ट अब हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है एक्चुअल में, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म तो आप क्या बताएंगे, तो आप ये बोलेंगे कि एवरीथिंग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो सब कुछ है आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल देखा जा रहा है वो सब कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल द मटेरियल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारा जो मटेरियल है वो सारा क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जैसे जैसे हम एक सेल को ड्रॉ करते हैं, सेल में सबसे बाहर ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यदि आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहां पर इस सेल के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, ये प्लस इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स भी हैं, तो इस सारे फ्लूड को क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी मटेरियल है, यानी कि आपका न्यूक्लियस आ जाएगा और साइटोप्लाज्म, दोनों चीजें आ जाएंगी किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है क्या है, दी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारा मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म कहला रहा है, एंड ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें हो गई, अब इसमें से साइटोप्लाज्म क्या है, यदि हम इसकी बात करें कि भाई साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का सारा मटेरियल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सब हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का सारा मटेरियल, यानी कि यदि मैं न्यूक्लियस को हटा दूं प्रोटोप्लाज्म में से तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो हमारे पास आ जाएगा साइटोप्लाज्म। मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा,
यदि आप बात करोगे साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, ठीक है, माइनस न्यूक्लियस। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म माइनस माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस वही तो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सारा न्यूक्लियस बनाएगा। तो यदि हम न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म में से घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बचेगा वो सब क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इस चीज को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इसको मैं पॉइंट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनसाइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गई बात ये कि वो मास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है, वो सारा फ्लूइड, वो सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, साइटोप्लाज्म कहलाती है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको प्रोटोप्लाज्म की टर्म में, इस इक्वेशन को अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की टर्म में लिखूं इस वाली को, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है भाई। ये सारी इक्वेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि ये एज इट इज दे देगा इक्वेशन और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके अलावा यदि जो साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की बात करोगे या टर्म की बात करोगे, साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, टर्म साइटोप्लाज्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर, ये दिया था स्ट्रासबर्गर ने दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म के बारे में, हमने कुछ जनरल पॉइंट समझ लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और आगे हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में कि जो साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म के हमने कॉम्पोनेंट समझ लिए हैं, एक बार उन कॉम्पोनेंट को हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से करके रखें। आज एक वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा इसके आगे का, तो आप लोग उसको देख के शाम तक आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसको देख लेंगे आप लोग अच्छे से और टॉपिक को कवर अप करें। जो भी आपके डाउट रहते हैं वो डाउट हम लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास के। बाय सर। कल भी पूरी लेक्चर सेंड करोगे? हाँ जी, एक लेक्चर में आपको आज अपलोड कर दूंगा और एक लेक्चर आपको संडे को अपलोड हो जाएगा, तो आप दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। सर संडे को कब तक हो जाएगा? संडे को तो आपको लेक्चर मिल जाएगा लगभग 11-12 बजे के आसपास। ओके सर।